इसमें गुज़िश्ता रात की आंधी के आसार दिन में भी नजर आ रहे हैं। जगह जगह उखड़े दरख्त मौजूद हैं, लेकिन इनको उठाने वाला कोई नहीं। काम सुस्त रवि का शिकार है, बता रहे हैं मोहम्मद फैजान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और तूफ़ान की वजह से जहाँ शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है, वहीं जो है बहुत ज़्यादा शहर में तबाही भी हुई है। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो दरख्त जड़ों से जो है उखड़ गए थे, साइन बोर्ड गिरे थे, घरों की छतें गिरी थी और जो दरख्त थे वो काफ़ी मकामात पर गाड़ियों पर भी गिरे हैं, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि 8 अफराद जो है वो जांबाक हुए हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बारिश और तेज़ हवाओं का जो ये सिलसिला है ये आइंदा मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने जो है वो अलर्ट जारी किया है और उन्होंने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है और कहा गया है कि शहरी जो हैं वो ऐसे मौसम में दरख्तों के नीचे और बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके नीचे खड़े होने से मोहतात रहें ताकि वो महफूज रह सकें। मैं आपको बताता चलूँ कि जब दरख्त गिरे थे तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की रोड जो हैं वो भी ब्लॉक हो गई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने वो दरख्त उठा के जो है वो ग्रीन बेल्ट पर तो रख दिए हैं, मगर अभी तक तहाल वो ग्रीन बेल्ट से जो है नहीं उठाए जा सके। जी